हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इन्फोसिस शेयर के बारे में अपडेट। जैसा कि आपको पता है भाई, दिसंबर क्वार्टर ख़त्म हो चुका है, 2019 ख़त्म हो चुका है। अब दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आपके सामने आएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का डाटा सारी कंपनीज डिक्लेयर करेंगी, एक्सचेंजेस को बताएंगी कि हमने कितना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, हमने कितना प्रॉफिट दिखाया। वो सब आपको एक्सचेंज के थ्रू पता लगेगा। सारी रिपोर्ट, सारे रिजल्ट जो है वो अपडेट किए जाएंगे और उस रिजल्ट के बेसिस पे आगे की जो है स्ट्रेटजी बनाई जाती है। यहाँ पे इन्फोसिस का शेयर पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स में गड़बड़ी के चक्कर में यहाँ पे शेयर की बिल्कुल गिरावट इतनी बड़ी हो गई थी कि बिल्कुल नीचे 15-16% शेयर नीचे गिर गया था। लेकिन पूरा एक क्वार्टर लग गया इसको रिवाइव होता होता और ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल के आसपास आ चुका है जहां से शेयर नीचे गिरा था। अब आप खुद सोचिए, बहुत लोगों का भरोसा होता है इन्फोसिस, और इन्फोसिस के शेयर को लोग डिविडेंड के चक्कर में भी देखते हैं। यहाँ पे अब क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस तो होंगे, लेकिन कब होंगे? डिविडेंड के लिए मैं कहूँगा रेडी हो जाओ, क्योंकि इन्फोसिस जो है इस क्वार्टर में यहाँ पे डिविडेंड की अनाउंसमेंट करता है। अब डिविडेंड के लिए रेडी हो जाओ। बड़ी कंपनीज हैं, इनकी एक रेपुटेशन होती है, ये एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं, और डेफिनेटली अगर इस क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, ये बात होती है। और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अगर अच्छा डिविडेंड होता है तो फिर स्टॉक अप्रिशिएट होता है, तो ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं। क्या कुछ डिविडेंड दे सकता है ये पुरानी हिस्ट्री को देख के देखते हैं एक नज़र। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन ही नहीं किया, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। क्वार्टर थ्री स्टार्ट हो चुका है, ये मान के चलिए आज की डेट से रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, और यहाँ पे आपको अपने फेवरेट स्टॉक्स के रिजल्ट्स में आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके रिजल्ट्स आप तक जरूर पहुँचेंगे। ये देखिए इन्फोसिस, जब आईटी सेक्टर की बात आती है तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है आईटी सेक्टर की। और जैसा कि आपको पता है भाई, ईरान यूएस में टेंशन चल रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बिल्कुल आसमान छूने लग जाएंगे अब कुछ दिनों में, और जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डॉलर मजबूती के साथ देखता है इन कंपैरिजन टू रुपीज, यानी कि रुपया कमज़ोर हो जाता है, रुपया कमज़ोर हो जाता है तो आईटी सेक्टर की बल्ले बल्ले आ जाती है। इनके शेयर के प्राइस में अप्रिसिएशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। देखिए जैसे ही रुपया कमज़ोर होता है तो इनका क्या है, खर्चा रुपया आमदनी किस में होती है, डॉलर में, खर्चा रुपया आमदनी डॉलर में होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनके लिए खुशी की बात हो जाती है और ये शेयर्स जंपिंग मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे टीसीएस आईटी सेक्टर का सर्विसेज का टॉप के कंपनी है, और ये कंपनी यूरोप, यूएसए, यहाँ पे इनके बहुत स्ट्रांग बिजनेसेस हैं, वहाँ से खूब कमाई करते हैं। अब इन्फोसिस के शेयर को देख लीजिए, अब रिजल्ट की बात कर रहे थे हम, कब रिजल्ट आ सकता है, यहाँ पर 746 के प्राइस पे ये वापस जा चुका है, जिसका वीक का हाई 52 वीक का हाई अगर आप देखोगे तो 847 है, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे है अपने 52 वीक हाई से। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के पार है, यहाँ पे पी रेशियो 20 के आसपास है, पी जी रेशियो 2.476 का है, डेट 4000 करोड़ का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्टॉक में जो मैं बात कर रहा था रिजल्ट की, पहले रिजल्ट पे फोकस करते हैं, रिजल्ट कब आने वाला है वो देखते हैं। देखिए रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाऊं इन्फोसिस, देखिए रिजल्ट आज 6 जनवरी से यहाँ पे स्टार्टिंग देखने को मिल रही है, मैं बीएससी की वेबसाइट पर जैसा कि देख पा रहा हूँ। इन्फी का रिजल्ट कब आ, इन्फी का रिजल्ट इसी हफ्ते 10 जनवरी को है, आज की डेट मंडे 2020 जनवरी है, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि फ्राइडे को। और जनरली जो ये रिजल्ट आता है फ्राइडे, इसी वीक का ये रिजल्ट है, और फ्राइडे जब रिजल्ट आता है तो इन्फोसिस का रिजल्ट जनरली शाम के टाइम पे आता है, 4 बजे के बाद ही आता है, यानी कि मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद ही ये रिजल्ट आता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि मंडे, अगले मंडे को इसका जो है मार्केट पे असर दिखेगा, प्राइस पे असर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक एक्टिव हो जाएगा। अब समझ रहे हो आप, ट्रेडिंग के लिए एक्टिव हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट से पहले का वीक इसका है। अब काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस आने लग जाएंगी कि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना प्रॉफिट दिखा सकता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स, कई सारे एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि फ्लैट रिजल्ट रहेगा, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है।
लेकिन यहाँ पे इन्फोसिस का 10 जनवरी 2020 4 बजे के बाद ही जनरल रिजल्ट आता है, आप इसको ध्यान रखें। अब बात कर रहा था डिविडेंड की कि डिविडेंड अनाउंस हो सकता है, तो डिविडेंड कितना किस हिसाब से डिविडेंड देता है वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इन्फोसिस का शेयर साल में 3 बार ये डिविडेंड देता है, जनवरी अप्रैल का फाइनल डिविडेंड, फिर एक अक्टूबर टाइम फ्रेम का डिविडेंड, एक क्वार्टर को छोड़ के बाकी तीनों क्वार्टर में ये डिविडेंड देता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फाइनल डिविडेंड पिछली बार इसने 10.5 रुपये का दिया था, लेकिन उससे पहले का जो ये जनवरी का डिविडेंड था वो 4 रुपये का डिविडेंड था। आप देख सकते हो 4 रुपये का स्पेशल डिविडेंड पिछली बार दिया था, और हर 6 महीने में डिविडेंड तो देता है, लेकिन पिछली बार 4 रुपये का ये स्पेशल डिविडेंड इसने दिया था। आप देख पा रहे हो क्लियरली, क्या इस बार भी ये स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर करेगा? तो देखिए स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा वो तो इसके प्रॉफिट के ऊपर होगा, कंपनी के प्राइस के अप्रिसिएशन जो रिजल्ट आएगा अभी क्या कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे इन्फोसिस कर सकता है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफ़ी दिनों से निचले लेवल पे चल रहा है, तो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है यहाँ पे, इन्फोसिस शेयर होल्डर को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे लास्ट टाइम टाइम पे आपने देखा होगा कि टीसीएस ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करके शेयर होल्डर्स अपनी तरफ खरीद लिए थे, इन्वेस्टर अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लिए थे, बड़ी अनाउंसमेंट थी वो जो 40 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फोसिस में भी उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। तो देखिए भाई रेडी हो जाओ, मैं कहूँगा अभी से, अब जो अनाउंसमेंट है जो रिजल्ट है वो 10 तारीख को आएगा, और उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट हो सकता है। अब ये देखिए स्पेशल डिविडेंड तो दिया ही था, टाइम टू टाइम देता रहता है, इवन कई बार तो ये फाइनल डिविडेंड के साथ भी स्पेशल डिविडेंड दे देता है। 2018 का ही डिविडेंड देख लीजिए, फाइनल में 20.50 रुपये का डिविडेंड दिया था, वहाँ पे 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी इसमें साथ में साथ दिया था, तो ज़रूर एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया करता है। देखिए तो इस तरीके से इंटरिम फाइनल और स्पेशल डिविडेंड टाइम टू टाइम देता है। और इन्फोसिस की अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो 2.95 है, जो कि मैं कहता हूँ कि अच्छी डिविडेंड यील्ड इन्फोसिस की है। मतलब ये मान के चलिए कि हर 100 रुपये पे 3 रुपये के आसपास का ये डिविडेंड देता है, और डिविडेंड यील्ड एक अच्छा पैरामीटर है देखने के लिए। अगर आप किसी स्टॉक का डिविडेंड देखते हो ना, तो डिविडेंड परसेंटेज बस देखिए, डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है फेस वैल्यू पे, और स्टॉक की फेस वैल्यू आप देख पा रहे हो किसी की 5 होती है, किसी की 10 होती है, किसी की 1 2 होती है, तो उस पर वो डिविडेंड परसेंटेज होता है। अगर आपको डिविडेंड का परसेंटेज देखना है तो डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड यील्ड करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होकर आपको दिखता है 2.95%। अब जैसा कि मैंने आपको डिटेल बताया इन्फोसिस के ये डिविडेंड एंड ऑल, लेकिन टेक्निकल पर चलते हैं और देखते हैं इन्फोसिस कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये देखिए पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और उसके बाद 14 अक्टूबर तक का यह परफॉर्मेंस था, उसके बाद किस तरीके से शेयर में लगातार गिरावट आई और बिल्कुल निचले 611 के लेवल पे चला गया शेयर। अब इतने हफ्तों के बाद रिवाइवल देखने को मिला, लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ये वीकली चार्ट था, अब डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पर जरा देखिए और समझिए, इतना बड़ा ये टावर देखने को मिला है, 3 जनवरी को ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसके बाद शेयर में इसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली, और मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो मेन एक लाइन थी, एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको पार इसने किया और बड़े वॉल्यूम के साथ और बड़े टावर के साथ पार किया। लेकिन स्टॉक जो है अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर जाते स्टॉक में पॉजिटिविटी आएगी, और ये रिजल्ट जो है, रिजल्ट की डेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन और अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रही है, एक तो ये बॉटम पॉइंट है 742 का जिसको ये पार कर चुका है, दूसरा ये गैप पूरा का पूरा जो गैप इसने क्रिएट किया था गिरते टाइम उसको फुलफिल करना ज़रूरी है, और ये गैप जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 760 से 770 के रेंज को पार करना ज़रूरी है अगली रैली के अगले लेग के लिए, ये इंपॉर्टेंट। आप देखें बड़ी गिरावट थी, बड़ा कैप था, सीधे सीधे आपने देखा होगा कि किस तरीके से 760 770 के लेवल से गिर के 690 के लेवल पे ओपन हुआ था अगले दिन, वो बड़ी करेक्शन के बाद। अब एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए ये गैप फिल करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो स्टॉक ने अच्छा रिवाइवल दिखा है उस लो पॉइंट के बाद से, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट पे अभी भी खड़ा। अब देखिए इन्फोसिस का शेयर बड़ा शेयर है, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ, और इन्फोसिस के शेयर के अगर मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल दिखाऊं यहां पे कि कितने सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउसेस कितने, 12 करोड़ शेयर्स हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड 10 करोड़ शेयर्स है, वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल फंड, एलआईसी के पास देखिए 25 करोड़ शेयर्स हैं, तो आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे खूब इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, भी करोड़ों शेयर्स उन्होंने उठा के रखे हो। आप देख पा रहे हो किस तरीके से इन्फोसिस अपने डिविडेंड के लिए नहीं बल्कि बोनस के लिए भी काफ़ी फेमस है। 2018 में इसने 1:1 का बोनस दिया था, 2015 में बोनस दिया था, 2014 में बोनस दिया था,
और पिछले 4 बोनसेस पूरे 1:1 के बोनस है, और इवन उससे अलावा 4 बार और ये बोनस दे चुका है, 1994, 97, 99, 2004, इस तरीके से कई बार ये बोनस शेयर्स दे चुका है। और एक बार तो ऐसा था हर एक शेयर पे 3 शेयर भी इसने बोनस में दे दिए थे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इन्फोसिस के अपडेट है, डिविडेंड अनाउंस हो सकता है, स्पेशल डिविडेंड होगा, लेकिन इंटरिम डिविडेंड नहीं, स्पेशल डिविडेंड की अगर अनाउंसमेंट होती है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।